तो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग गूगल में आ जाएंगे। गूगल में आ जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लिखना है लेक्सी का आर्ट, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा लेक्सी का आर्ट और उसके बाद नीचे सर्च कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। तो जैसे सर्च कीजिएगा इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं पहला वाला वेबसाइट में आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर इस तरह से आएगा, ऊपर में देख सकते हैं सर्च बार आएगा, ठीक है। तो सर्च बार में आप लोगों को जैसे आप लोगों को खोजना है, ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को AI फोटो खोजना है यहाँ पर आप लोग सर्च कीजिएगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए विलेज गर्ल्स लिखूंगा, तो यहाँ पर विलेज गर्ल लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे सर्च का ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर विलेज गर्ल्स देख सकते हैं आ गया। आप लोग अपने हिसाब से सर्च कीजिएगा वहाँ पर ऊपर में क्लिक करके, तो AI फोटो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अभी आप लोगों को डाउनलोडिंग करना है, जिसको उसको आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद साइड में देखिए एक ऑप्शन दिखा रहा डाउनलोडिंग का, इसमें आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। इसमें जैसे क्लिक कर लीजिएगा तो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो पहला काम हो गया है, इमेज हो गया है, AI इमेज लोडिंग हो गया है, डाउनलोडिंग हो गया। उसके बाद आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद उसके बाद अभी फिर से आप लोगों को आ जाना है उसी में गूगल में। गूगल में आ जाने के बाद यहां पर आप लोगों को लिखना है हेजेन, ठीक है, हेजेन इस तरह से लिखिएगा। लिखने के बाद इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा, सर्च कीजिएगा हेजेन। उसके बाद देखिए इस तरह का आएगा। इसमें पहला वाला वेबसाइट में आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए ट्रायल पर, फ्री ट्रायल यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को फ्री ट्रायल में क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा इस तरह से ऑप्शन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को वो फोटो को ऐड करना होगा। उसके लिए यहाँ पर देखिए रिप्लेस फोटो का ऑप्शन दिखा रहा है, इसमें आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, उस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऐड कर लेता हूँ और डन कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेगा तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा और उसके बाद यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग हो रहा है इस तरह से, और उसके बाद तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आ जाएगा। इसको पूरा आने दीजिएगा, इस तरह से देखिए ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर पोर्ट्रेट रखना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं पोर्ट्रेट रखना होगा यहाँ पर आप लोगों को। और यहाँ पर नीचे देखिए मेल फीमेल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोगों को लड़की का लड़की चूज करना है, लड़का का लड़का चूज करना है। मेल फीमेल दिया हुआ है तो मैं इसे फीमेल को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर टैक्स आप लोगों को डालने के लिए, जो बुलवाना होगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें आप लोग अपने से भी टाइपिंग कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं दूसरा जगह एक बोल के यहाँ पर रखा हुआ हूँ, उसी को यहाँ पर ला के पेस्ट करूँगा। इस साइड में मैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर मैं पहले से ही इस तरह से आप लोग अपने से भी टाइपिंग कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लूँगा तो आप लोग भी जो कुछ भी बोलवाना होगा वहाँ पर आप लोगों को टाइपिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मेरा जैसे यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा साइड में और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा तो सुविधा होगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर, यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए ऐड हो गया यहाँ पर, जो कुछ भी अभी बोलना है यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है। नीचे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन है गाइज, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखिएगा और अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है जितना बार भी डालने से भी यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार भी आप लोग यूज कर सकते हैं। एक बार खोजेगा यहाँ पर यूट्यूब सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। ये वाला आप लोगों को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने पर कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे क्लिक कर लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा एक्सप्लोर में, ठीक है। तो इसमें जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा, आप लोग जो जीमेल आईडी आप लोग तभी डाले थे ना, उसमें आपका वीडियो सेव होकर चल गया है। तो अभी मैं ईमेल आईडी को यहाँ पर खोलूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ मेरा ईमेल आईडी को मैं खोलूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका वीडियो यहाँ पर बन के आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ईमेल में आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है, जो वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया था यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसको सुनने के लिए देखिए यहाँ पर दिखा रहा ऑप्शन, इसमें आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग सुन भी सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं किस तरह से हुआ है यहाँ पर पता चल जा रहा है। यहाँ पर प्ले करके आप लोग सुन सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। और उसके बाद डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिखा रहा नीचे में आप लोगों को, यहाँ पर डाउनलोडिंग करके इसको सेव कर लेना पड़ेगा, ठीक है, गैलरी में सेव करना पड़ेगा। डाउनलोडिंग कर लीजिएगा यहाँ पर आप लोगों को, डाउनलोडिंग में क्लिक कर लीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा प्ले करके दिखा दे रहा हूँ तो आप लोग सुन लीजिएगा, अच्छा लग रहा तो ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ दिक्कत नहीं, ओरिजिनल वॉइस जैसे। उसके बाद डाउनलोड में क्लिक कर लीजिएगा,
जैसे क्लिक कर लीजिएगा थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद डाउनलोड सेव हो जाएगा, गैलरी में सेव हो जाएगा। देख सकते हैं नीचे सेव हो रहा है, देख सकते हैं डन हो गया है, इसका काम भी हो गया, दो काम हो गया। अभी आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर VN ऐप को, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा, प्लस में क्लिक कर लीजिएगा, ऊपर में देखिए न्यू प्रोजेक्ट है, इसमें क्लिक कर लीजिएगा, उस वीडियो को ऐड कर लेना पड़ेगा आप लोगों को, तो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है तो नेक्स्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर आपका वीडियो आ जाएगा गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर आपका वीडियो बन के आ गया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोगों को टिकटॉक साइज करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लिक कर लीजिएगा ओरिजिनल में, यहाँ पर टिकटॉक साइज का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद इस तरह से, उसके बाद आप लोग इसको अच्छा से सेट कर लीजिएगा इस तरह से, जितना आप लोगों को रखना है इस तरह से, ठीक है। लोगो नहीं आना चाहिए, ठीक है, लोगो नहीं आना चाहिए। इस तरह से आप लोग सेट कर लीजिएगा और उसका लास्ट वाला को आप लोगों को डिलीट कर देना, वाटरमार्क को, और उसके बाद इसको अभी सेव कर लीजिएगा। ऊपर में देख सकते हैं सेव कर लीजिएगा यानी एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, आप लोग जितना में भी कर सकते हैं तो एक्सपोर्ट यहाँ पर कर लेना पड़ेगा आप लोगों को। तो इस तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगा, ये वाला भी काम हो गया है। अभी आप लोगों को दूसरा काम, तीसरा काम करना है, लास्ट काम, ठीक है। अभी आप लोगों को कैप्शन लगाना पड़ेगा, जो जो बोल रहा है कैप्शन लगाने के लिए, देखिए ब्लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पर ब्लिंक एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से आएगा, प्लस वाला चिन्ह में आप लोगों को क्लिक करना है। ऊपर में देखिए ऑटो कैप्शन का ऑप्शन है, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, जिसको आप लोग बनाए थे, ठीक है। इसको वीडियो को आप लोगों को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए इंग्लिश इंडिया यहाँ पर दिखा रहा है, इसमें आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, तो आप लोगों को अलग रहेगा, तो आप लोगों को इंग्लिश इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, नीचे वाला ऑप्शन में आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद अगला पेज खुल के आ जाएगा स्टेटिंग का, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है, कैप्शन लग के रेडी हो गया है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक कैप्शन लग के रेडी हो गया, जो जो बोल रहे हैं यहाँ पर कैप्शन लग के रेडी हो गया। लेकिन इसको आप लोग स्टाइलिंग कैसे करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको थोड़ा साइज कर लीजिएगा, बीच में क्लिक करके इस तरह से जहाँ रखना होगा तो आप लोग इसको रख लीजिएगा। इस तरह से मैं नीचे रखूंगा, तो आप लोग भी इस तरह से नीचे रख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन दिखा रहा है नीचे में, इसमें आप लोग क्लिक करना है किस किस टाइप का एनिमेशन आप लोग देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में। यहाँ पर बहुत सारा मिल जाएगा, तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर वही वाला रखता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए आप लोग। उसके बाद फॉन्ट का ऑप्शन है, फॉन्ट में आप लोग जैसे क्लिक कर लीजिएगा कौन सा स्टाइल आप लोग फॉन्ट यहाँ पर रखना चाहते हैं, बहुत सारा दिया हुआ है तो आप लोग रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए इसके बाद ये वाला ऑप्शन है, इसको आप लोग कुछ कीजिएगा, एनिमेशन यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर टैक्स, ये वाला मेन है फ्रेंड्स, इसमें टैक्स सब कुछ आ जाएगा, जो जो बोल रहे हैं यहाँ पर टैक्स आ जाएगा। जिसको जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, हाईलाइट हो जाएगा, देख सकते हैं जिसको जिसको आप लोगों को हाईलाइट करना है, जो जो वर्ड को, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को हाईलाइट कर लेना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, आप लोग भी इस तरह से हाईलाइट कर लेगा तो और अच्छा लगेगा इस तरह से। उसके बाद देखिए इस तरह से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आराम से आप लोग भी इस तरह से हाईलाइट कर लीजिएगा, देख सकते हैं जो जो खास खास चीज़ है ना वही सबको हाईलाइट कर दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से कर लेने के बाद आगे क्या होगा उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस तरह से मैं आराम से कर ले रहा हूँ, तो आप लोग भी देख देख के समझ समझ के आप लोग आराम से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा हाईलाइट। देख सकते हैं मेरा हो गया है, हाईलाइट हो गया। तो अभी देखिए शुरू में आ जाता हूँ और प्ले करके आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा। तो देखिए मैं प्ले कर दिया हूँ और बोल रहा है, देखिए कितना अच्छा अभी लग रहा है, ठीक है। सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैं माइक लगा के यहाँ पर रखा हुआ हूँ। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा, जो जो बोल रहा है, क्योंकि हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हो जाने के बाद आप लोगों को एक्सपोर्ट में क्लिक करना है। एक्सपोर्ट में क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन बता रहा है नेक्स्ट का, नेक्स्ट जैसे कीजिएगा यानी एक्सपोर्ट जैसे कीजिएगा आपका वीडियो बनके रेडी हो जाएगा बहुत ही अच्छा से। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से गाइज, इस तरह से। उसके बाद डन कर दीजिएगा, डन कर लेने के बाद देख सकते पूरा डन है। गैलरी में आप लोगों को एक बार आके दिखा देते हैं, प्ले करके भी दिखा देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत लाते रहता हूँ, डेली लाते रहता। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं बहुत ही आसान से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।